सफिया आप किसको वोट आउट करेंगे? मैं मैविश को करूंगा। क्योंकि ये जो है थोड़ा टाइम ले रही है आंसर देने में। अब राउंड के जो है टाइम तो लगेगा, मतलब सोच के देगा ना, ठीक है लगेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, जैसे जैसे राउंड बढ़ रहा है टाइम कम हो जाता है। सोच के समझ के इंसान देगा, एकदम तो नहीं दे सकता। लेकिन मुझे क्या पता कौन सा ज्यादा टाइम है, कौन सा मैं जवाब दूंगी। बात ये है टाइम तो लगता है हर चीज में, टाइम का इशू नहीं बोला और कोई प्रॉब्लम। टाइम का तो इशू है, टाइम का ही तो इशू है, वरना ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कौन क्वेश्चन ज्यादा। तो जाहिर सी बात है मैं सवाल गौर से सुनूंगी तो मैं जवाब बिल्कुल सुन के जवाब देंगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम का इशू नहीं है, बिल्कुल टाइम का इशू, क्योंकि वक्त का मैं 2 मिनट 50 सेकंड जिसकी वजह से राउंड वापस घूम नहीं पाया। ऑल राइट जी, मैविश आपके खिलाफ कितने वोट्स हो गए? 3। आमना के खिलाफ कितने वोट्स है? 4। 2 है। पांच वोट्स, इसका मतलब यह है कि आप राउंड 2 से राउंड 3 में मैविश नहीं जा पाएंगी। राउंड 1 में बच गए लेकिन 2 में। एक मिनट में इन सेशन विद मी मदीरा, आखिरी खिलाड़ी कौन? दैट्स द कैच। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।